कभी महारानी नहीं, डायन है डायन। खा जाएगी तेरे राज्य को। ए भगवान, कौन थे ये बाबा और ऐसा क्यों कह के चले गए? लगता है बहुत बड़े तपस्वी साधु हैं, अन्यथा एक साधारण साधु में इतना साहस कहाँ। चलिए रानी बा, महल चलते हैं। वाह हिंदू बहन वाह, क्या चाल चली है। धीरे बोलो। आज तुमने अपने भाई को बहुत प्रसन्न कर दिया, क्या जाल बिछाया, वाह। सत्य बोल रहे हो या जले पे नमक छिड़क रहे हो? हिंदू बहन, हम सत्य कह रहे हैं। चल रहे हैं भोलेनाथ, आपके होते हुए पखंडी आया और रानी पा को अपहरित कर चला गया और अब देखते रहे हम ही मूर्ख हैं जो हमेशा श्रद्धा से पूजा करते हैं आपकी, और आप हैं जो सुनते ही नहीं। ना सुनिए, जा रही आपकी शोभा। अरे राजकुमारी, ये फूल वेल पत्र तो भगवान के चढ़ाव है, इसे लेकर कहाँ जा रही हैं? हम जा रहे हैं, आज हम बहुत क्रोधित हैं। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? आप जानती हैं आज क्या है? आज श्रावण मास की शिवरात्रि है। फिर सोमनाथ, ये हमने क्या कर दिया? हम भक्त भगवान सोमनाथ से क्रोधित हो गए। हम भी कैसे हैं? पता नहीं भैव में आपको क्या क्या बोल गए। आज श्रावण मास की शिवरात्रि पर हम आपसे क्रोधित हो गए। अपनी शोभा को क्षमा कर दीजिए। हे माँ, आशीर्वाद दो अपने भक्त को, आशीर्वाद दो कि भरूच से देवदासी लाने का हमारा अभियान सफल हो, और मैं उस गण सर्वज्ञ और उसके सोमनाथ से भी अधिक शक्तिशाली बन जाऊं। आशीर्वाद दे माँ। हमारे भरूच जाने का प्रबंध हो गया? जी प्रभु, सब प्रबंध हो चुके हैं। आज हमें बताते हुए बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि आलम इस्लाम का हर नुमाइंदा, हर शहंशाह, हर खलीफा ने आपको गाजी का खिताब देने का फैसला लिया है। मरहबा, मरहबा। लेकिन सबसे पहले ये खुशखबरी हम अपने सबसे ज्यादा चाहने वाले भाई को सुनाना चाहते हैं। तलवार मेरे भाई, और साबित करो कि खुदा तुम्हारे साथ है या महमूद गजनवी के। अगर आज तुमने गाजी महमूद गजनवी को समितोष कर दिया तो गजनी का यह तख्त तुम्हारा। वार कर। आने वाली नौचंदी जुम्मेरात को हमारा लश्कर हिंदुस्तान की जानिब कूच करेगा, वहां की हसीन खूबसूरत नाजनीनों का भी हिस्सेदार बनेगा। आप सब हिंदुस्तान की रियासतें लूट, हिंदुस्तान की रियासतें लूट। गजनवी की नजरों में तो सोम, सिर्फ सोमनाथ।